कि 10-20 ले बुना त सय ले ला हो, खुश कके धान हई मै ले ला हो, 10-20 ले बुना त सय ले ला हो, खुश कके धान हई मै ले ला हो, कि डाली जगह पो नोट त तू रोक देलू हाथे, तमुहावा में जन तू धारावा हो बला ते ना त काट ले हम दाते, छोड़ दे बके हुओ के गइल बराते धके काट ले हम दाते, मुहावा में जन तू धारावा हो बला ते ना त काट ले हम दाते। सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री के पवन सिंह, लगातार जब से एक्टिव हुए हैं बाकी सबका मार्केट खा गए हैं, छोटे सिंगरों को बहुत प्रभाव पड़ा है, तो मैं डायरेक्ट रंजीत सिंह से पूछना चाहूंगा कि आपको कितना प्रभाव पड़ा है। देखिए प्रभाव का बात नहीं है, पवन भैया एक्टिव हुए हैं सही बात है और गाना बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, इससे कलाकारों को घबराने की बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि गाना पर अपना ध्यान देना है, लिरिक्स पर ध्यान देना है, अच्छा अच्छा गीत मार्केट में देना है, वैसा कुछ नहीं है। पवन भैया का फैन जो है अलग हैं, हर कलाकार का फैन होते हैं, बस अच्छा अच्छा गाना देते रहिए, बाकी आप लोग का प्यार मिलता रहे। कुछ कलाकार फिर मिला गए हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, बड़ा बड़ा के बात कर रहे हैं लाइव आके, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, अपना जो रास्ता है अपना करते रहिए, अच्छा अच्छा गीत गाइए, अपना अपना मार्ग पर चलते रहिए, दूसरे को देख कर क्या करना है। एक सवाल है, मिलियन व्यूज आते हैं, करोड़ों अरबों दर्शक उनके चाहने वाले हैं, एल्बम की दुनिया में बिहार का नाम पहले नंबर पे आता है, क्या नहीं लगता है कि भोजपुरी सिनेमा खत्म हो गया है? बिल्कुल, एल्बम में झुकाव इस वक्त ज़्यादा हो गया है सभी सिंगरों का, लेकिन देर हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी चल रहा है अंदर अंदर कुछ बड़ा होने का, तो बहुत जल्द आप कुछ ना कुछ देखिएगा। बड़ा हो भी रहा है, जैसे कि अभी पवन सिंह जी के हर हर गंगे मूवी आने की तैयारी चल रही है, 4-5 भाषाओं में डब होगी फिल्म, जिसको पहली वजह से भोजपुरी में हो रहा है, तो जी कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है, और वो फिल्म जब आएगा तो बाकी के सब जितने प्रोड्यूसर हैं चाहे आर्टिस्ट है कुछ ना कुछ फिल्म से सीखेंगे तो उससे भी बड़ी फिल्म बनेगी, उसी तरह एकदम चलता रहेगा काम। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसको मल्टीप्लेक्स मिलना चाहिए? बिल्कुल, और जिस तरह से तैयारी है, जिस तरह से एकदम सुर है, बिल्कुल मिलेगा। रंजीत जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से आपके बैक टू बैक गाने रहे, कुछ बहुत बड़े गाने रहे, काफी हिट भी रही, लेकिन आप कभी सोशल मीडिया पर आके हंगामा नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते, वो चिल्लम चाली नहीं करते, आपके जो गाने रहते हैं पॉपुलर लोगों तक पहुंचते हैं, ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको कभी नहीं लगता कि हम भी लाइव आए, खुद चिल्लाए, इसको कुछ बोले, उसको कुछ बोले, क्योंकि भोजपुरी क्या चली आज सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलौज करना? बॉलीवुड में भी चाहे बहुत सारे हिंदी सिंगर हैं जो जिनका गाना चलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग दिन भर लाइव आते रहते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, ऐसे ही गाना चलता है, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना श्रोता है। आपको नहीं लगता कंट्रोवर्सी का बहुत फायदा भी है? कंट्रोवर्सी में से फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ने लगती है, थोड़ा इंसान हाईलाइटेड हो जाता है, फेम में आ जाता है, तो हम भी हमारे आपके भी कई गाने हैं ऐसे जो चोरी हुए हैं, कॉपी हुए हैं, आपको भी लाइव आकर बोलना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। ऐसा थोड़ा है हमारा कि मेरा गाना चोरी होगा हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा भी हम लोग पर टच होगा बिना मतलब का कोई तो हम लोग रेल देंगे धक्के। और आप लोग किस लिए हैं, आप लोग बुला कर एकदम विधिवत तरीका से एकदम रेला जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में आपका एक और गाना बज रहा है, प्यार करके तनी सा जवान कर दीजिए, चाहेंगे कि उस गाने के बारे में भी दो शब्द कहिए कि वो गाना इतना अच्छा खासा चल रहा है, लगभग 1 मिलियन क्रॉस भी हो गया है इस सीजन में, देख रहे रोस्ट पूरा हो रहा है इस सीजन में, जीजा साली पर दो लोग आए हैं, एक बड़े भैया पवन भैया गाए हैं जीजा साली पर गाना कि गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी, गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी। ये गाना आने के बाद पब्लिक के हमारा से डिमांड रहे बड़ी। अच्छा। कि कुछ ऐसा टाइप के कुछ गाना बनावे जानो कि गाना बाज हो रंजीत भी एक साथ है, कौन से गाते हैं तो गोदी में लेके खोद देते हैं, और ऐसे गाते हैं तो गोदी में लेके जवान करते हैं। जवान करने की दवाई है कि फार्मूला है कुछ, थोड़ा इसको बताइए। जवान करने का बहुत सारा तरीका है महाराज।